आज का कार्यक्रम है कि मायंग जगह पर जा रहे हैं जहां फ्लड आ चुके हैं, और फ्लड से हमने देखा है कि पूरा आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से फ्लड के अंदर हज़ारों लोगों का पूरा डिस्प्लेस हो जाते हैं, मौत हो जाती है, घर बार उजड़ जाता है। और ये जो सरकार है, ये सरकार ने बड़े बड़े वादे करे थे, नरेंद्र मोदी जी ने करे थे, अमित शाह जी ने करे थे, हिमंता बिस्व शर्मा ने करे थे कि फ्लड के लिए हम ये कर रहे हैं, पैसा इतना हम यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होती है, गाँव के क्षेत्र दूर की बात है, गुवाहाटी के अंदर ही फ्लड आ जाते हैं। तो ये सरकार जो है बिल्कुल झूठी साबित हुई है। हर बार जब बारिश आती है, जनता सोचती है कि अब फ्लड आने वाला है, उसके लिए सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, नकारा हो चुकी है। उसके बाद आज कार्यक्रम हमारे जो आगे आगामी चुनाव आने वाले हैं बाय इलेक्शन, उसके बाद पार्टी की मीटिंग है, और दो दिन तक हम हमारा वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें सभी कांग्रेस के लीडर्स उसके अंदर आएंगे, चर्चा करेंगे और आगे हमें किस तरह से हमारे संगठन को और मजबूत करना है, और 2026 के लिए एक क्या रणनीति हम बनाएंगे, इसके ऊपर चर्चा होगी। एनसीपी और बीजेपी का कुछ सीनियर लीडर कांग्रेस में आ रहा है, अभी उसके ऊपर कोई आना चाहेगा तो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे उनसे, हमारे पार्टी के जो संगठन थे उनसे पूछ के करेंगे। अभी तक कॉन्टैक्ट हुआ कि नहीं? नहीं, कॉन्टैक्ट में से तो अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो लोकल यूनिट है हमारी, जो प्रदेश कांग्रेस APCC है, उनसे संपर्क करने के बाद कोई जो कार्रवाई होगी उसके बाद होगी। तो आप लोगों ने बोला था कि भूपेंद्र प्रसाद ने बोला था कि जो कांग्रेस से गया था पहले, उसको दोबारा कांग्रेस में शामिल नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, केस टू केस होता है ये मामला। जो कांग्रेस को दगा देकर छोड़कर चले गया और पार्टी का जो मान और सम्मान इनडिसिप्लिन कराए, उनको ज़रूर हम कभी नहीं वापस लेने वाले हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके कोई इंटरनल मामला हो, पारिवारिक खुद का मामला हो, पार्टी छोड़ के कोई चले गए होंगे, उनके ऊपर कांग्रेस के जो यूनिट है APCC है, वो पहले डिसाइड करके AICC भेजेगी। आप लोगों का पुराना मित्र जो आसाम का AODF बदरुद्दीन आसमान ने कल बोला था कि कांग्रेस इज बैक, वो फिर से आ गया ऐसा बोला है, तो कांग्रेस के लिए कुछ खतरा होगा क्या? कौन सा आगे, कौन आ गया है? छोटी कोई है, आप नई नई कहानियाँ बनाइए। अब है ना, जो AIUDF है वो बहुत पहले था, उसका इतिहास में नाम लिख दिया जाएगा कि BJP के साथ मिलकर आसामी लोगों को धोखा दिया है, इतिहास में लिखा जाएगा, ही इज़ गॉन फॉर एवर।